हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेंट का डाउट है कि अगर हमने दो पोस्ट का प्रीफ्रेंस डाला है तो सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। सो आज की जो मेरी ये वीडियो है, एनटीए विश्व भारती में अगर आपने 2 वैकेंसीज के लिए प्रीफ्रेंस डाला, इट मींस कि आपने एलडीसी के लिए भी फॉर्म भरा है और आपने एमटीएस के लिए भी फॉर्म भरा है, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे आपको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। गाइस, जो इसका एग्जाम था, एग्जाम में 150 क्वेश्चन से 300 नंबर का ये एग्जाम था, सभी को पता है। सपोज करो आपने एलडीसी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और एमटीएस का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। गाइस, एलडीसी की जो मेरिट लिस्ट लगी वो 200 नंबर पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगी और एमटीएस की जो मेरिट लिस्ट लगी वो 180 नंबर पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगी। ठीक है, अगर आपके मार्क्स प्रॉपर बन रहे हैं, जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, अगर मार्क्स आपके 202 मार्क्स है तो डेफिनेटली आपको एलडीसी मिल जाएगा। अगर आपके 190 मार्क्स है, मींस कि आपके 180 में से 200 के बीच में मार्क्स है, तो आपको यहाँ पे एमटीएस की पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि सिलेक्शन होने के बाद, सपोज करो आपने यहाँ पे टाइपिंग कर ली और टाइपिंग के बाद अगर मेरिट लिस्ट जो है 200 पे ना लगी तो कैसे होगा। गाइस, यहाँ पे ऐसे होता है, जो बच्चा हाई स्कोर रिटन एग्जाम में बनाता है वो टाइपिंग में रह जाता है, तो टाइपिंग का जो एलडीसी की कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बच्चे के अगर यहाँ पे 250 मार्क्स से ऊपर है और वो टाइपिंग में नीचे रह सकता है, क्योंकि टाइपिंग जो है वहां पे अच्छे अच्छे होफ्लेक्स हो जाते हैं टाइपिंग में बैठ के, तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके नंबर इन बिटवीन है, 180 to 200 है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये बस एक एग्जाम्पल है, ना कि जो मेरिट लिस्ट लगेगी इन्हीं मार्क्स पे लगेगी। बाकी जो इसका सेफ स्कोर है वो आज मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के जो कट ऑफ देखे है यहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली एनटीए ने बहुत सारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए है, तो सभी को एग्जाम को एनालाइज करके पेपर का लेवल कैसा था, कट ऑफ वगैरह, जो आपका सेफ स्कोर है, हालांकि कट ऑफ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जो इसका सेफ स्कोर है वो मैं आपको आज समझा दूंगा। गाइस, डाउट है तो कमेंट्स कर सकते हो।